दोस्तों अगर आपका एंड्रॉइड फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और अगर आ भी रहे हैं तो फुल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं और आप किसी को कॉल लगा रहे हो तो कॉल भी नहीं लग रहे हैं, तो आज मैं ऐसे दो ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे फ्रेंड्स अपने एंड्रॉइड फोन का फुल नेटवर्क आएगा और आप किसी को भी कॉल लगाओगे तो फटाक से कॉल भी लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग्स पे आपको जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर अपने फोन पे दो सिम कार्ड लगाए हो तो आप जिस सिम से इंटरनेट आप चलाते हो उस सिम को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो नीचे पे देखने को मेरे देख सकते हैं ऑपरेटर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑटो सेलेक्ट को आपको डिसेबल करना है पहले, इसके बाद आपको फिर से आपको इनेबल करना है। तो यहाँ पे मैं डिसेबल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑफ पे क्लिक कर लेता हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे सर्चिंग हो रही है देखिए, और हमारे फोन पे ये डिसेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे पे चार ऑप्शन आपको देखने को मिले, देख सकते हैं एयरटेल 4G, एयरटेल 2G, इसके बाद जियो 4G, इसके बाद BSNL मोबाइल 2G। तो यहाँ पे आपको एयरटेल 4G पे आपको सेलेक्ट करना है अगर यहाँ पे आपका एयरटेल 4G पे सेलेक्ट नहीं रहता है तो, और अगर आपके पास जियो सिम है तो आपको जियो 4G या जियो 5G आपको देखने को मिलेंगे, वही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है। इसके बाद दूसरा ट्रिक्स को जानने के लिए फिर से आपको सेटिंग्स पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जिस सिम से आप नेट चलाते हो उस सिम को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पे आपको क्लिक करना है, शॉर्ट में इसे APN कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्सेस पॉइंट नेम्स पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऊपर पे देखने को मेरे 3 डॉट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिसेट एक्सेस पॉइंट्स पे आपको क्लिक करना है, ताकि अगर आपके एंड्रॉइड फोन के APN सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ हुए हैं उसके कारण से आपके फोन पे फुल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो आपको रिसेट करना है और आपका फोन पे आपका फुल नेटवर्क आने लगेगा। तो यहाँ पे मैं रिसेट एक्सेस पॉइंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिसेट एक्सेस पॉइंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टोरिंग हो चुके हैं देखिए, और यहाँ पे अभी डिफॉल्ट वाले APN ही अभी सेट हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है और अपने फोन को एक बार आपको रिस्टार्ट करना है। इसके बाद अपने एंड्रॉइड फोन में फुल नेटवर्क आने लगेंगे। तो इस तरह से अपने एंड्रॉइड फोन में इन दोनों ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद अपने एंड्रॉइड फोन के नेटवर्क प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी का बटन है उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले तो मिलता है अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।